ये जनाब शाह रमजान के आखिरी 48 घंटे चल रहे हैं, नशरियात के इख्तिताम है। आज 29वां रोजा है, आज इख्तिताम है, यकरस्तान इख्तिताम है। भिखारी साहब ने तिलावत खिलाफ पाक से आगाज किया। ये वो टाइम होता है नशरियात के जब हम जरा आहिस्ता आहिस्ता फ्रेश हो रहे होते हैं, क्योंकि बस सवाई थी उठे होते हैं, तो बस एक सवाई पहुंचते हैं, फिर तकरीबन कौन मेरा नशरियात लाइफ शुरू हो जाती है। रोजाना तिलावत के बाद कारी साहब से बाकायदा मुलाकात और सलाम दुआ रहती है और बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। सही ठीक है, आज नहीं कल अगर किसी नाखरी का जैसे में खत्म होता है तभी दस्तरखान आबाद होना शुरू हो जाता है। और पहले इन्होंने ईद करा दी आज, अच्छा आपको तो आई जब से वो वाला वाक हुआ ना, उन्होंने दूरी हो गया। अच्छा अच्छा, आपने लगता ईद करा दिया जो भी है, सो इंशाल्लाह नहीं होंगे। देखें आप दुआई कर सकते हैं आगे जो अल्लाह होंगे, तो जी आज हमारा 29वां दिन है किचन सेगमेंट का। ऑफ कोर्स शेफ रिदा इज अ ग्रेटेस्ट एडिशन टू शान रमजान अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई होप यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस। यस वेरी गुड एक्सपीरियंस। काश हम भी कहते, मतलब मैं भी ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया। सेगमेंट अभी खत्म हुआ है और सेगमेंट में आंसू बह गए हैं। ये वो सेगमेंट है जिसमें खून भी बहा है और आंसू भी बहे हैं। तो रिदा आपने तो यार इमोशनल कर दिया हम सबको। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी है बाकी कि एक टीम मेंबर जिसने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है उसने इतनी एफिलिएशन फील की पूरी टीम के साथ। इतना अच्छा, मैं छुपाऊंगी नहीं कोई भी बात, मैं सामने बोल देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने इस तरह ट्रीट किया। इवन सकीना जो है यहाँ इंटर्नशिप पे है, लेकिन मुझे बड़ा तंग किया है वैसे, ट्रीट किया है माशाल्लाह। ऐसे मेरी एक आवाज पे भाग दी है, अमार है, ये सारे लोग, मतलब लिटरली मैं कहना भूल गया अमार का नाम, तो सारे महरीन है माशाल्लाह से, सब लोग बहुत अच्छे हैं और टीम बहुत अच्छा है। यहाँ पे फैमिली वाला एक माहौल होता है और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें लगता नहीं कि हम नशरियात कर रहे हैं, एक महफिल होती है जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स हो रहे होते हैं और सब उसमें इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। तो यू आर सच अ ग्रेट एडिशन टू द टीम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने इसे कहना था कि आखिरी एपिसोड में पानी की बिल्ली बन के दिखे, तो रोके दिखा दिया भाई, कमाली हो गया। तो इस सेगमेंट तारीखी सेगमेंट है, इस सेगमेंट में खून भी बहा है और आंसू भी बहे हैं सेगमेंट दोनों चीजें। थैंक यू रिजा, थैंक यू ऑल द बेस्ट। कराने में जो वीडियो जिस बंदे ने बनाई है ना, हाँ बंदा ऐसा की वीडियो बना रहा जिसने दिखा दो भाई, इनको भी दिखा दो जरा ना रसीम भाई कैमरे लेके गए थे। सारे अपनी फैमिली टाइम और उसको उसमें से टाइम निकाल के मैं और जैन निकल जाते थे। इतनी सर्दी होती थी, हाथ जमर होते थे इसके, यूं सब हाथ हो जाते थे हाथ में, ऐसे आवाज आ रही होती -9 -13 और वहाँ पे वो जैन साहब लगेंगे वीडियो बना रहे हैं। मैं टीम वर्क होता है, आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको ऐसे ही चलाए रखें। तो ये हमारे निकी के सेगमेंट आज इकरार भाई नहीं है, कभी 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 नहीं आ रहे हो तो मैं देख रहा हूँ तो चीज़ें, वरना वो उसको ज़्यादा लीड कर रहे होते हैं। तो फिर मेहमानों से ब्रेक में ज़रा गपशप लग रही होती है, फिर फ़ौरन ही साथ ही अगले सेगमेंट की तैयारी चल रही होती है जो कि भी हम करने लगे। हाँ जी क्या हाल है? ये भाई ये दिखाया यहाँ इस तरीके से, यहाँ जुम्मा बाजार लगा होता है कार्ड्स का, जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक के कार्ड उठा के कभी ये सवाल कभी ये सवाल कभी ये कर रहे होते हैं। पहले ये बता दिया उसका फीडबैक का बता दिया किसी से, और
फीडबैक ना मालकिस ने बनाई है वो जीता पाकिस्तान में तो वो ईद वाला दिखा दिया। अच्छा चांद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। चांद हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। कल ईद है कि रोजा है? रोजा। ईद नहीं है कल? चांद रमजान होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं, रोजा खोला है। रोजा खोला है? हाँ रोजा खोला है। देखिए तो मेरी भी पट्टी खुल गई, पट्टी निकल गया। देखो कैसा सही हो गया आपका। जा रहे हो अभी? कहाँ जा रहे हो? खोल लिया वसीम भाई। घर जा रहे हो? एक दिन रुक जाओ, शादी रमजान होगा ना कल, एक दिन रुक जाओ यार। वसीम भाई अगर एक दिन रुक गया ना तो तेरा झटके लग जाएंगे। क्या हो गया बाल में? बम लग गया। बम लग गया? किसने लगाया? हमने इतना बड़ा बम लाया और इसके सर पर रख दिया। कब निकल रहे जाने? टूट गया। हाँ निकल रहे। चांद रात आज नहीं है, कल है, बाकायदा ऐलान हो गया। आपको याद है लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे और अचानक चांद नजर आ गया था? हाँ। मैं कह रहा था ईद हो गई, ये कह रहा था गलत गलत, मैं कह रहा था ईद हो गई, कह रहा था गलत। अब ईद हो गई है? आज ईद इसलिए हुई कि वो पटाखे जो फूटने थे वो इसके बालों में चले। ये जरा हम आपको इस सेट का कुछ दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं। तो ये हमारा जो सारा जो लाइटिंग डिपार्टमेंट और वो सारा कुछ है वो यहाँ पर। अरे मेरा दोस्त भी ऊपर बैठा हुआ है, एक करीम साहब है जो कि सारी लाइटिंग और सारी चीज़ों का सिस्टम से यहाँ से सेट का एक बड़ा जबरदस्त व्यू है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? देखिए दिल को जैसे रहती मैं नहीं पता था यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से नशरियात देख रहा होता मुझे नहीं पता था। आगे 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 हैं इधर इधर इससे आगे जा रहा हूँ। क्या हाल है? खैरियत से हैं। और ये भी उदास तो नहीं, शादी रमजान खत्म हो रहा है। हाय भाई मैंने क्या किया गलत बात है सर? मैं इधर आ रहा हूँ नीचे से मिल गया। तो भाई मैं जब शहरी जो कर रहा होता हूँ मैं यहाँ बैठ के कर रहा होता हूँ। शहरी में जो मैं 8-9 मिनट का ब्रेक मिलता है उसमें से हम 5-6 मिनट हम यहाँ पे शहरी कर लेते हैं और बाकी हमारा सारा ये कंट्रोल रूम, मतलब कंट्रोल रूम तो दूसरा आपको दिखाएंगे लेकिन ये लाइटिंग वगैरह का सारा सिस्टम यहाँ से मैनेज हो रहा होता है। चला जाए जरा कैमरा मैन वगैरह से मिलवाते हैं। ये हमारे जितने भी कैमरामैन वगैरह हैं जाहिर सी बात है कि मतलब अगर वो उस अंदाज से उनका रोल ना हो तो कोई चीज़ आप तक उस तरह पहुंच ही नहीं सकती। ये है शोएब अज़ाम, क्या हाल है? चीता है भाई, ये जो आप देखते हो ना तो ज़बरदस्त जो ड्रिप शॉट्स और ये तो ये शोएब जो है ये जो कि मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त काम है, मुश्किल काम है कि ये इस तरीके से जो है ना वो ड्रिप को लेकर ऑपरेट कर रहे होते हैं थ्रू आउट सुबह शाम रात, सोचें 8-9 घंटे रोज़ाना के बुनियाद पर वो बस इस तरीके से सारा यहाँ इनको प्रिव्यू नज़र आ रहा होता है और यहाँ से वो शॉट बना रहा हूँ। ठीक ठाक है, एक और रमजान गुजर गया, मैं कई सालों से मैं इनको इस तरह देख रहा हूँ, 10 सालों का साथ है तकरीबन सबका। तो ठीक गुजर गया ये रमजान में, हमसे गुजर गया जबरदस्त। जी देखेंगे फिर बॉडी शॉडी, इसको बॉडी बिल्डिंग जिम जाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं भी देखेंगे इसके आप देख रहे वेट्स वगैरह। तो भाई ये आपको देखने में ये सारे काम जो बड़े बड़े लैविश तो बड़े आसान से लग रहे होते हैं उसके पीछे, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, अब आपको शायद समझ आ रही हो कि बाद में मैं कहता हूँ कि मुझे वाकई ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेहनत जो ये लोग कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये कि हमारी मेहनत आपको नज़र आ जाती है तो वो रिकग्नाइज हो जाती, वरना ये काम कोई आसान काम नहीं है बल्कि बड़े मुश्किल काम है। आपको देखते हम अक्सर जो हमारी बात ज़्यादा नहीं हो पाती लेकिन हम मुस्कुराहटों का तबादला हमारा चलता रहता है, क्या क्योंकि सारे सेगमेंट चल रहे होते हैं वो, तो हमारी गपशप जो है वो सबकी इस तरीके से रहती है, सलाम दुआ ये वो क्या सब कुछ है और आते जाते हैं बातचीत में खुश रहे। ऑल द बेस्ट। हाँ भाई क्या हाल है? ठीक है, ये सारा हमारा गैंग है कैमरा मैन का। और क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है, खरीद हैं तो क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है। यहाँ से दिखा सके कि दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यहाँ से ये कैमरे से अगर ये दिखा सके इस अंदाज से फ्रेम वगैरह बना रहे होते हैं और फिर आप
वो मंजर यहाँ इस तरह देख रहे हो। अभी आगे उलमा का सेगमेंट है, मिलते हैं दोबारा। हमारी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़ा किरदार है। थैंक यू भाई। ये आसिफ भाई हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है आसिफ भाई। और एक आदमी है वो छुप गया है भाई, लोग ऐसे काम ही ना करें कि छुपना पड़े कैमरे के सामने, लेकिन कर रहे हैं। अजमत भाई हमारा सारा ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, ये हमारे सारे भाई आप जो ग्राफिक्स देख रहे होते हैं रेलिवेंट, वो सब ये सब चला रहे होते हैं, सारे हमारे दोस्त हैं ये। हम और आपको कुछ कैमरे में ठीक ठाक है, इजाज़ साहब खैरियत से ठीक ठाक है, इजाज़ से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती। हम वक्तन फवक्तन जो है वो मुस्कुराहटों का तबादला और सलाम दुआ करते रहे। डिपार्टमेंट से सारे कि सारे सेट डिपार्टमेंट के लोग हैं और लाइव जा रहे हैं हम उसके बाद। हाँ भाई आपको हम लिए चलते हैं अपने कंट्रोल रूम में, जल्दी से मिल के आते हैं क्योंकि दो ब्रेक्स के दरमियान है ये मामला। क्या नहीं नहीं ब्रेक है भाई, क्या वो कह रहा हटाने हम। अच्छा वीडियो वीडियो रहने दे, वीडियो रहने दे। ये मसला भी होता है कि सिर्फ ट्रांसमिशन होस्ट ही कर रहे होते हैं, ट्रांसमिशन मैनेज भी कर रहे होते हैं, ये करना है वो करना है वो करना है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि हम लाइव हैं और मैं इशारे कर रहा हूँ हाँ यूँ करके, तो हो चुके सारा इसकी मैनेज भी कर रहे थे। वाले को मतलब जिस तरह अभी बात करते हुए मैनेज कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या है बच्चों, ये हमारा कंट्रोल रूम है और यानी यहाँ से ही सारे का सारा अच्छा यार कभी कभी बोलते ना, लेकिन सबके लिए भाई कोई खास ना माफ दे, सुन दिल में जवाब रख लो मस्त बच्चे है ना, तो इनको तो हम डांट सकते हैं, लेकिन आपके माजरत भाई तो खैरियत से भाई, अच्छा गुजर गया रमजान माशाल्लाह। मैंने बोलना था भाई, और शुएब जो है वो मैंने तस्करा भी लिखा था, तो भाई आप सब जानते हैं। और बहुत जबरदस्त तरीके से सारे का सारा सेगमेंट हमारे कंट्रोल रूम के दोस्त लेके चलते हैं। ये सारी स्क्रीन आपके सामने आ रही होंगी, ये इस अंदाज से कितने कैमरा होते हैं टोटल हमारे पास, और स्विचिंग इस वक्त स्विचिंग कहाँ हो रही होती है कैमराज की, ये स्विचिंग हो रही होती है यहाँ से, इस सिस्टम से क्या चल रहा होता है इमेजेस वगैरह और ये वो सब किट सेगमेंट की चीजें यहाँ चल रही होती हैं। ओके हाँ ये मेरा टॉप बैक कौन सा है, ये टॉक बैक, ये किस बदनसीब का टॉप बक लिख दिया है तुमने इसको, ये बस हमारे ऑडियो है माशाल्लाह। अच्छा ओके, तो ये मेरा टॉप बैक है, ये कान में यहाँ से बता रहे होते हैं। ये इकरार भाई खुला वगैरह, इकरार भाई क्या इकरार भाई वो कैमरा स्विच हो सकता है जरा कंट्रोल रूम को कहोगे जो कि इकरार भाई का जरा सोलो बना दे, सोलो बनवा सकते हो टॉप बैक, हां बन गया किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। हां इकरार भाई का हां ठीक है ना, इकरार भाई हां जी हां जी, इकरार आपका आवाज आ रही आ रही है, दूर फटे मुंह आपका अलग अलग चीजें चल रही है, प्रीमियर है हमारा अनदर मैप, अच्छा ये हमारे बेस वाले हैं सारी, यानी कि जो हमारे टिकर हैं आपके कैप्शन है सारे नेम बैंड्स वगैरह जो है ये बेस से चलता है, वो सीसीयू वाले भाई हैं अर्कम भाई, ठीक है जितना अपर्चर हाँ टेक्निकली जो ओके जबरदस्त। तो भाई एक नशरियात आपको जो मैं खाली वो एक आदमी वसीम बलामी नजर आ रहा होता है वो ये है सारा सिलसिला, और ये वरना वो हो ही ना पाए, तो जबरदस्त वेलकम भाई आप लोग जबरदस्त, थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा उसमें भी तालियां सही जवाब पे तालियां चला, अपने आप पे चला दी तालियां।
अब हम आ गए हैं दोबारा सेट में। भाई मेरे दोस्त मेरे भाई हुमायूं आलमगीर का बहुत शुक्रिया क्योंकि हमें कपड़े पहने थ्रू आउट बहुत ज़बरदस्त हमारे काम करते हैं। भाई भाई छा गए आप जिंदाबाद। अब हम दोबारा सेट पे जा रहे हैं ब्रेक का वक्त। जैसे ही शानिल खत्म होता है तो मैं फिर दौड़ के यहाँ आ रहा होता हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सेगमेंट से पहले जरा बच्चों से थोड़ी सी गपशप हो जाए ताकि जरा बच्चों के साथ थोड़ी सी एक प्रैंकनेस वाला माहौल हो जाए तो फिर जरा आसानी रहती है। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत से? आज आखिरी दिन अहमद शाह यहाँ पे रहेंगे। आदिल भाई खैरियत से? यार ये जरा दिखाओ ना ये आदिल ने पता नहीं क्या ये मैं करता हूँ उसको खराब। ठीक है और खराब कैसे करूँ? अब जरा बनाए हम देखिए किस तरह बनाते हैं। बनाए कम देखिए बाद साहब असल खैरियत से ठीक ठाक है? और तो ये हमारा बच्चों का सेगमेंट। तो इस तरीके से शाहिद रमजान जो है वो अपने फिर इख्तिताम को पहुंचता है। ये हमारे रोजाना कुछ ना कुछ नए बच्चे होते हैं जो आए हुए होते हैं जिस तरह आज ये तीन आए हुए हैं और कुछ हमारे जो है वो खाक बच्चे हैं। ये देखिए क्या हाल है, मेहंदी लगा ली बच्चों? क्या हाल है? ठीक है, वाह वाह वाह। चले भाई सारे बच्चे मिलकर बोले ईद मुबारक और इसी में खत्म करेंगे इसको। सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से ईद मुबारक। ओके अल्लाह हाफिज़। हमारी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।